मेरे अम्मी का शौक था मुझे डॉक्टर बनाने का और स्पेशली आर्मी डॉक्टर बनाने का। तो इवन रो के मेरी अम्मी ने मुझे फरियाद किया कि आप कंप्यूटर साइंस नहीं ले ले। बीएस की स्टूडेंट, मैं पहली स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मेरा नाम सुनेरा चांद है, मेरा ताल्लुक रहीमाबाद गिलगित से है। हर किसी का यही शौक होता है कि वो जो है ना 4 साल की डिग्री लेने के बाद कोई एक अच्छी जॉब मिल जाए जिससे आपकी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मेरा नाम जहरा नूरीन है और मैं अलीबाद हंजा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। ख़वातीन का ये होता है कि उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि जहाँ पे वो फीमेल्स के साथ नॉर्मली बैठ के आराम से सीख सकें, अपने मसले भी शेयर कर सकें ईज़ली। मेरा नाम फ़ैज़ाली है, मेरा ताल्लुक़ नोमल से है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में नलतर के करीब एक गाँव है। हमने जो है ना बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया। इवन हमारे पास स्किल्स भी जो है ना हमने खुद उसमें सीखी, यूट्यूब से, गूगल से, हर जगह से जो हमने सर्च की और स्किल्स अपनी जो है ना इन्हेंस की और हमने उसको आगे लेके चले। अपने स्टडीज़ के साथ अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी अपना खुद बेयर करती थी, तो उस टाइम पे सेटिस्फाई, फुल्ली सेटिस्फाई उस टाइम पे हो गए कि ये भी कोई फील्ड है। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ख़वातीन को ये एक फ्री और फ्रूटफुल एरिया हम लोगों ने उनको दिया हुआ है जहाँ पे वो ईजली बैठ के कोई भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। मुझे ऑन ऑफ नहीं आ रहा था लैपटॉप का, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं इसमें, वेबसाइट डेवलपिंग से लेकर हर चीज़, इवन यहाँ तक कि हमें रिप्लाइज भी आने लगे हैं क्लाइंट्स की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्पिरेशन है कि उन्होंने जो है ना अपनी शादी के बाद, बच्चे उनके कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, लेकिन फिर भी वो जो है ना हिम्मत करके जो है ना घर को भी संभाल रही है और ट्रेनिंग भी दे रही है, साथ साथ प्रॉपरली वो काम कर रही है। मेरी टीम में जो बच्चियां हैं वो डिफरेंट डोमेन्स में वो काम कर रही हैं, जिसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल लिटरेसी है, उसके साथ साथ आईटी कंसल्टेंसी है, फिर उसके बाद जो है ना वो यूएक्स यूआई डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मुझे फर्स्ट क्लाइंट जब मिला था, ये मेरा सबसे हैप्पी मोमेंट था मेरी लाइफ में। घर आके फिर मैंने घर वालों को ये बताया कि मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला है, तो फिर मुझे घर वालों ने इंकरेज किया, तो ये भी एक मेरा स्टेप था आगे बढ़ने का कि मैं कुछ कर सकती हूँ। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यस आई कैन डू इट। अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्रेंड 150 प्लस गर्ल्स, जिनको डिफरेंट डोमेन्स में हमने ट्रेन किया है, और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की गई है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। फ्रॉम हंजा, गुजाल, यासीन, फंडर से भी बहुत सारे बच्चों ने हमें रीच किया। इवन हमारे पास कर्दो की भी बच्चियां आई जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। तीस मिनट के रास्ते के लिए हमें 2 घंटे इंतज़ार करके गाड़ी मिल जाती है। अगर मुझे कभी कभी ऐसा होता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे नहीं मिलती तो मुझे लिफ्ट लेना पड़ता, और लिफ्ट में होता ये कि अनजान लोग होते हैं। लड़कियों से हम यही स्टोरीज अक्सर सुनते हैं कि वो जब बैठते हैं तो सबसे पहले लड़के या तो अपना बिजनेस कार्ड थमा देंगे, या तो वो नंबर मांग लेंगे, या शीशा टेढ़ा करके घूर घूर लेंगे, या तो हमें अगर हम ये कहे कि हम ऑफिस में जॉब करते हैं, हमारे सैलरी पूछ के अच्छे जॉब या अच्छे सैलरी वाले जॉब का हमें लालच दे देंगे। तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल उनके अंदर इतना करेज है और वो सीखना इतना चाहती हैं और ख़ुद को और अपनी फैमिली को जो है ना वो इस तरह जो है ना आगे लेके जाना चाहती हैं कि वो कोई भी हर्डल जो है ना उसको फेस करके जो है ना वो उसमें सक्सेस हासिल करने के बाद भी जो है ना वो उस चीज़ को आगे लेके चल रही हैं और ऑफिस आके और बहुत अच्छे से जो है ना वो काम कर रही हैं। स्किल डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए हमें लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन उनको सामने रखते हुए हमें एहतियात के साथ यहाँ तक आना पड़ता है।
इस तरह के इलाकों में जो टीचिंग को ही एक लड़कियों के लिए बेस्ट प्रोफेशन समझते, उसमें मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करते हैं, मतलब ऑफिस में काम करने के लिए, तो ये मेरी फैमिली की सबसे बड़ी सपोर्ट है मुझे आज इस स्टेज तक पहुंचाने में। मैंने जो अचीव किया वो मैं नहीं देख रही, बल्कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया है वो मैं देखती हूँ। आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं अपनी कम्युनिटी को दोबारा जो मैंने सीखा है वो गिव बैक कर सकती हूँ, और मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।